मार्केट में आपको काफी सारे वेराइटीज का बैक कवर मिल जाएगा, जिसमें से सबसे पहले फोन के बॉक्स के साथ आने वाला जो टीपीयू केस होता है वो कुछ दिनों के बाद आपका इस तरह का बन जाता है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा बकवास लगता है। दूसरा हमारे पास बैक कवर आता है इस तरह का, जो कि आपको मार्केट में मिलता है और ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का होता है, जिससे ट्रांसपेरेंट लुक होता है, फोन का बैक भी अच्छे से विजिबल होता है। थर्ड टाइप का आपको इस तरह का बैक कवर देखने को मिलता है, जो भी आपको लगभग कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली इसका भी कलर जो है वो डिफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें तो इस तरह का बैक कवर आपको मिलता है, जो कि कम्प्लीटली सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी इसके कलर भी आपको बहुत दिन बाद चला जाता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास बैक कवर आता है इस तरह का डिजाइन वाला बैक कवर, जो कि कुछ दिनों के बाद आपका धीरे धीरे इसके ऊपर कलर जो है वो खराब हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह का कवर काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और सबसे ज्यादा जो आपका ड्यूरेबल बैक कवर होता है वो इस तरह का बैक कवर होता है, आप लोग देख सकते हो, ये एक हार्ड प्लास्टिक का बनाया हुआ है और इस तरह का बैक कवर का ऊपर जो प्रिंट होता है ये उतना जल्दी नहीं जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह का हार्ड केस कवर के ऊपर आप कैसे फोटो प्रिंट कर सकते हो, मतलब कंप्लीटली इसके ऊपर अगर ये लोगो ना होके, ये कलर ना होके आपका दिया हुआ एक फोटो अगर रहता है तो किस तरह का बैक कवर होगा और उसका क्वालिटी कैसा होगा और मोबाइल में किस तरह से फिटिंग आएगा, वही आज इस वीडियो में देखने वालेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा आप लोग कहां से उस तरह का बैक कवर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, केवल 99 रुपीज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है उसका बॉक्स पैकेट, कुछ इस तरह से आता है और ये है जेफी बैक कवर और इसे मैंने ऑर्डर किया था लगभग 7-8 दिन पहले और आज ये मेरे पास डिलीवर हो गया है। लेकिन अगर इस वेबसाइट से आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर उस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कुछ पैसा बर्बाद हो सकता है। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरह का हमें क्वालिटी का ये बैक कवर मिल जाता है। तो यहाँ पे बॉक्स पैकेट कुछ इस तरह से है, इसको हम लोग फटाफट खोल लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सारे के सारे बैक कवर, आप लोग देख सकते हो। तो इसके अंदर मेरे पास है 3 बैक कवर, आप लोग देख सकते हो। ये है मेरे पास फर्स्ट बैक कवर, जो कि क्वालिटी वाइज कुछ इस तरह से है और यहाँ पे अगर मैं नाखून से भी इसे चला रहा हूं तो इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही अच्छा प्रिंट है, तो एकदम आप नहीं कह सकते ये खराब प्रिंट है। साथ ही साथ ये मेरे लिए मैंने ऑर्डर किया था और इसका भी प्रिंट आप लोग देख सकते हो, किसी भी हालत में इसका प्रिंट जो है वो नहीं जा रहा है और साइड में भी जो इसका जगह है उसमें भी ये प्रिंट होके आता है, तो ओवरऑल आप प्रिंट इसका देख सकते हो। साथ ही साथ इस वाले के लिए आप देख सकते हो इसके। तो चलिए पहले हम लोग मोबाइल में लगा के देख लेते हैं किस तरह का हमें फिटिंग देखने को मिलता है। तो ये है सबसे पहले नार्जो 30 Pro 5G के लिए, तो ये हमने लगा दिया। फिटिंग जो है वो काफी अच्छा फिटिंग है और ओवरऑल इसका जो लुक है वो भी आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा लुक है। तो दिखने में फोन जो है वो काफी ज्यादा अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग खुद अपना फोटो प्रिंट इसके साथ कर लिए हैं, फिटिंग हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो फिटिंग जो इसका है वो काफी तगड़ा फिटिंग है। फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया है, कैमरा फ्लश के लिए जगह छोड़ दिया गया है। ओवरऑल नीचे के साइड में आप लोग देख सकते हो, ऊपर के साइड में भी आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छे से फिट है। और अगर हम लोग इस रही बात इसकी प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो मैं अगर नाखून से इसके ऊपर स्क्रैच कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हो प्रिंट किसी भी हालत में नहीं जा रहा है, तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रिंट है। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद इसका कलर चला जाए, लेकिन ऐसे स्क्रैच से आपका इसका जो प्रिंट है वो नहीं निकलेगा। लास्ट बचता है हमारे पास आईफोन 8 के लिए और एक ठो, और इसको भी हम लोग लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग कुछ इश्यू हुआ होगा और इसके ऊपर इसको हम लोग लगा देते हैं। फिटिंग भी आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा फिटिंग है और यहाँ पे मैंने लोगो का ऑर्डर किया था जो कि लोगो में कटआउट रहेगा, तो आई होप यहाँ पे जो इसका कटआउट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है, थोड़ा अगर नीचे होता तो ये दिखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव होता और ज्यादा अच्छा होता। बटन का आप लोग प्लेसमेंट देख सकते हो, काफी अच्छे से छोड़ दिया गया है जगह, यहाँ पे भी अच्छे से जगह छोड़ दिया गया है, तो एज सच कोई इशू
नहीं है। तो बाकी आप लोग यहां पे देख सकते हो और आप लोग मुझे बता सकते हो इस तरह का बैक कवर आप लोगों को स्पेशली कैसा लगा। और सबको मैंने यहां पे ऑलरेडी प्रिंट करके होम डिलीवरी होने के बाद मेरा जो प्राइस पड़ा है वो 99 ईच पड़ा है, मतलब तीन के लिए 300 रुपया। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो इस वेबसाइट से अगर आप एक बार ऑर्डर कर देते हो तो उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर आप कैंसिल करोगे तो उस केस में आपको 60 रुपीज जो होगा वो आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं रहता है इस वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट से आप जो भी ऑर्डर करोगे डेफिनेटली आप ऑर्डर कर सकते हो, और अगर ऑर्डर करोगे तो आप ये जान लेना कि आप बाद में इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका फोटो प्रिंट हो जाए एक बैक कवर के अंदर तो उसके बाद कंपनी उस बैक कवर को बेच भी नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको यहाँ पे पेमेंट पहले करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास आएगा, और लगभग आने में मुझे जहाँ तक समय लगा है तो लगभग 7-8 दिन आपको समय लगता है। बाकी अगर और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, सवाल है इस तरह का बैक कवर रिलेटेड, जेब भी कंपनी के रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर एक को रिप्लाई करूंगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।